यहाँ पर आए हैं और ये हमारे हैदराबाद के अपने गुलकार फिल्म स्टार्स कॉमेडियंस ये सब आपके सामने एक के बाद एक आएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जिस शख्सियत का नाम लूंगा वो है एक इंटरनेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म स्टार के बी जानी। आई एम जानी, आई एम नहीं समझिए, मैं ना पहचान लिए आप, ये आवाज किसकी है पहचान लिए कितना अच्छा मंजर है, एक अरसे के बाद हम लोग गले मिल रहे हैं आज। जानी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जानी भाई, आवाज करो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। खाना खाए नहीं से आवाज कम नहीं हुई। चलिए क्या हुआ, थैंक यू। हमारे इको बंद कर दो मेरे दोस्त, राइट। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी अच्छी प्यारी सी ऑडियंस जिद्दा में मैं पहली मरतबा आपके बीच परफॉर्म कर रहा हूँ। और ख़ास बात हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा एहतमाम किया है, बहुत ही प्यारी प्यारी ऑडियंस, उसके साथ साथ बहुत ही प्यारे से एंकर जो लगातार जिद्दा की सरजमीन पर लगातार बोले जा रहे हैं, सुनो नको सुनो चल रहे हैं गाड़ी बना लेना, बहुत ही सीनियर मोस्ट है आमिर साहब के लिए जोरदार ताली। अब आप बैठ जाओ, मैं अपना काम शुरू कर दू। अब कहां बैठते बैठो, मगर मेरी जान पर नको बैठे बैठो बोला दादी, अब क्या चिंतियां कर दू क्या। हाँ बस बस राइट बैठ। तो बहरहाल बिस्मिल्लाह, चलिए शुरुआत कर रहा हूं। टेंशन किस तरीके से पैदा होता है, टेंशन आदमी अच्छा खासा रहता लेकिन जो टेंशन पैदा होता है मुलाजा कीजिए। अब एक बेचारा बाइक पे जा रहा है, रास्ते में एक लड़की मिली, पहला टेंशन। लड़की लिफ्ट मांगी, दूसरा टेंशन। ये बिठा लिया, तीसरा टेंशन। रास्ते में पेट में दर्द हुआ, ये हॉस्पिटल लेके चले गए, चौथा टेंशन। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे डिलीवरी हो गई, नर्स आके बोली मुबारक आप एक लड़की के वालिद साहब बन गए, छठा टेंशन। अब ये बोले मेरा लड़का नहीं है, वो लड़की बोली इसका बाप यही है। पुलिस आई पकड़ ली, इनका डीएनए टेस्ट हुआ, आठवां टेंशन। डीएनए टेस्ट में निकला ये कभी जिंदगी में बाप नहीं बन सकता। ये घर पहुंचे, चार बच्चों को देखे, टेंशन ऐसा होता तो बजाइए जोरदार ताली, थैंक यू। अब लोग देखिए तरह तरह के बहाने बनते हैं, कोई भी, मैं सऊदी की तरफ भी आऊंगा। बहरहाल सबसे पहले देखिए ऑफिस में, ऑफिस अब किसी को भी मार देते, क्या है हमारे पास इंडिया में ज्यादा चलता, क्या है साहब हमारे अम्मा मर गए, छुट्टी, छुट्टी दे दिया। फिर थोड़े दिनों के बाद आया, क्या है साहब हमारे बाबा मर गए, छुट्टी, छुट्टी मिल गई। फिर आया, क्या है साहब हमारे अम्मा मर गए, छुट्टी। फिर थोड़े दिनों के बाद आया, क्या है साहब हमारे बाबा मर गए, छुट्टी। फिर आया अम्मा मर गए, छुट्टी। फिर बाबा मर गए, ऑफिसर को गुस्सा है, क्या है कभी अम्मा मर गए बोलते कभी बाबा मर गए, आखिर कितने तो भी अम्मा बाबा है, तुम्हारे खानदान का कुछ बोलो। साहब हमारे खानदान के बारे में नको बोलो साहब, क्या है क्या, अरे नको साहब, अरे जरा बताओ जी, अरे बात को आते हैं अम्मा मर गए बाबा मर गए बोल के छुट्टी।
फैमिली बैकग्राउंड आपको पूछो साहब हमारे खानदान का क्या है, ऐसा है साहब अम्मा मर गए तो बाबा शादी करते, ये बाप मर गए तो अम्मा शादी करते, ये अम्मा मर गए तो बाबा शादी करते। थैंक यू। अब इनका खानदान ही खत्म नहीं हो रहा। बरहाल सऊदी अरब आया हूँ माशाल्लाह, तो अब देखिए कभी कभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ साथ एक मरतबा शो के लिए इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजर साहब जिस तरह गौस भाई है और भी हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, तो उनके मेन कफील को बता रहे थे हिंदुस्तान से बड़े बड़े एक्ट्रेस से उनको इंट्रोड्यूस परिचय इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था। शिया ये अमिताभ बच्चन माशाल्लाह माशाल्लाह, शाहरुख खान जैसा करता, शेख सलमान खान हेल्थी मैन, शेख ऐश्वर्या राय इंशाल्लाह, शेख पुरानी एक्ट्रेस दलित कौर लहर वाला स्टार, अभी हम हैदराबाद की तरफ आएंगे, हैदराबाद में बहुत सारी चीजें मशहूर है, मैं जहां रहता हूँ ओल्ड सिटी है। अब देखिए उस दौर की बात कर रहा हूँ जहां पे इंग्लिश किसको भी नहीं आती थी, इंग्लिश किसी को नहीं, एक लड़के को आती थी, इंग्लिश की क्लास टीचर आई और परेशान हो गई। पहला दिन था फर्स्ट डे, क्या आमिर साहब इंशाल्लाह बोल रहे हैं क्या, कोई लेडी आर्टिस्ट नहीं है। थैंक यू। थोड़ा सा हमारा अपना पर्सनल मामला था, तो बहरहाल सऊदी अरब की बात हम करेंगे। तो अभी कल हम लोग जो है हैदराबादी स्पॉट पे गए थे, तो एक लड़का हाँ बता लिया ना बस, ये बेचारा बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में विजिट के लिए आया था 8 दिन के लिए, कोई इमरजेंसी थी। हुआ ये कि इसके ऊपर जिनका साया आगे हो गया, जिनका साया परेशान हो गए 8 दिन में, कुछ इलाज ही नहीं हुआ, वहां पे थोड़े बहुत काबिल लोगों को बताया कुछ भी नहीं हुआ, लिहाजा फिर रिटर्न, इनकी छुट्टी कम थी, फिर आगे हो। अब आगे जो है सऊदी अरब में इनका इलाज हो रहा, अब तरह तरह के आमिल लोगों को बुलाया गया, एक बहुत बड़े आमिल को बुलाया गया, ये जो है छड़ियां लेने लगे, बड़े आमिल साहब को गुस्सा है, देखता नहीं मैं इतना बड़ा आमिल हूं, पूरा वर्ल्ड मानता है तो लिखता क्यों नहीं है। तो उन्हें पलट के बोला अखामा नहीं है कैसा लिखना, इंग्लिश का पता था, अरे नहीं नहीं टिकट लिए नहीं लिए, ये बोलो आवाज़ हम कर रहे हैं इंग्लिश का बोल रहे हैं। अब इंग्लिश का बता रहा हूं मैं, हुआ ये कि एक ही लड़के को इंग्लिश आती थी, इंग्लिश की क्लास टीचर पहुंची, ये पूछी कि 5 पानी के जानवरों के नाम बताइए, 5 एनिमल वाटर एनिमल्स के नाम बताइए, किसको भी नहीं आती, क्या तुम्हें बोल रहे, जिसको इंग्लिश आती थी उन्हें बोला, इन्हें बोल रही 5 पानी के जानवरों के नाम बताइए, टीचर हम बोलना टेल मी, फिर क्या बोल रहा हूं, बोलो बोल रही टीचर फिश, वेरी गुड वेरी गुड, अदर 4 फिर क्या बोल रहा हूं, और 4 के नाम बोलो, बोली टीचर फिश का बोल दिया, फिश की अम्मा, फिश का बाबा, फिश की बहन, फिश का भाई,